इससे पहले आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट टू इंडिपेंडेंट सैंपल इंडिपेंडेंट मीन्स मीन द टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। पहले हमने वन सैंपल किया जी टेस्ट पे, फिर हमने टी टेस्ट पे सिंपल वन टी टेस्ट, फिर पेयर सैंपल टी टेस्ट हमने जो है एस्टिमेशन की, और आज जो है ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अजम्पशन सब के लिए एक जैसे हैं कि पॉपुलेशन आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन के आलमोस्ट बराबर हो, सफिशेंट सैंपल साइज आपका होना चाहिए, ठीक है जी, लार्ज सैंपल साइज आपका होना चाहिए। तो ये अजम्पशन है और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपके जो सैंपल्स हैं वो दो होंगे, और जब दो सैंपल्स होंगे तो दोनों सैंपल में से आपके जो अज्यूम वैल्यूज आएंगे वो फिर दो वैल्यूज आएंगे, यानी एक सैंपल का भी मीन होगा दूसरे का भी मीन कैलकुलेट करेंगे, एक का भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा दूसरे का भी होगा, एक सैंपल साइज होगा दूसरे का अपना सैंपल साइज होगा, ठीक है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों सैंपल्स के लिए अलग अलग आपने कैलकुलेट करना होगा, ठीक है जी। तो टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। अब सवाल ये पूछा जाता है कि अगर हम एक सैंपल ले लें, फॉर एग्जांपल ज्यादातर लोग जो रिसर्च करते हैं 200-300 सैंपल्स वो ले लेते हैं और उसी में से इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी लगाते हैं। ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आपको एक सैंपल में से दो बना के भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा कलेक्ट कर लिया 200 का, जिसमें 90 जो है वो मेल्स हैं और 110 जो है वो फीमेल्स हैं। अब इन दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग हो गई, मेल अलग हो गए फीमेल अलग हो, आपने दो पॉपुलेशन बना दिए, इसका अपना स्टैंड मीन होगा अपना स्टैंड डेविएशन होगा अपना सैंपल साइज है, और फिर आप इसको फार्मूला में पुट करके फिर आप अपना जो कंक्लूजन है वो निकाल लेते हैं आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने हर सूरत में दो सैंपल लेने होंगे, दो सैंपल, जस्ट अ मिनट, अच्छा जी। तो इन टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ये आप दो सैंपल अलग अलग भी ले सकते हैं और एक सैंपल में से दो सैंपल बना के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च क्वेश्चन। आपका जो रिसर्च का टाइटल है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो ऑब्जेक्टिव उस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा मेजरमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टडी मैंने की थी कि जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग मेडिकल एजुकेटर medical educators in private and public sector teaching institution, public sector medical colleges आप कहें या public sector medical teaching institution, medical teaching institution। अब ये रिसर्च क्वेश्चन जो है ये आपको लीड करेगा, गाइड करेगा कि आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मेजर करने के लिए कौन सा सिग्निफिकेंट डिफरेंस मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट आपने लगाना होगा। यहां पर अगर आप देखें तो जॉब सेटिस्फेक्शन आप देख रहे हैं, अमंग एजुकेटर देख रहे हैं, और वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में देख रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन प्राइवेट में ज्यादा है या फिर गवर्नमेंट में ज्यादा है? ये आपको उस वक्त पता चलेगा कि जब आप दोनों से एक ही सैंपल आप कलेक्ट करें, नो प्रॉब्लम, आपका अपना एक सैंपल साइज होगा 300 का 400 का, वो जितने आपको प्राइवेट वाले लगते, डिपेंड्स अपॉन योर टाइप ऑफ सैंपलिंग, आप किस तरह सैंपलिंग करते, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी है,
फिर इसको आप दो में डिवाइड कर दे कि ये प्राइवेट है ये पब्लिक है। कोशिश करनी चाहिए कि एक जैसे, मतलब एक से अगर आपने 200 लिए तो दूसरे से भी आपने 200 लेने हैं अगर 400 का है। आपने जब कर लिया, इसको फीड कर लिया, आप स्टेटस देंगे कि ये प्राइवेट है ये पब्लिक है। अब इनमें डिफरेंस मालूम करने के, क्योंकि दो ग्रुप्स आपके पास आ गए, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक प्राइवेट का है एक पब्लिक का है। सैंपल आपने एक ही लिया है, 400 का सैंपल है, 200 एक उठाया दूसरा उठाया, इसको मिक्स करके फिर आपने जब स्पेसिस में आप इसको फीड करेंगे तो एक को आपने प्राइवेट और दूसरा जो क्वेश्चनर आपके पास प्राइवेट का आएगा उसको प्राइवेट का नाम देंगे और जो पब्लिक का आएगा वो पब्लिक का। फिर आप इसमें क्या करेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन का जो क्वेश्चनर है इसको आप कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल में, दोनों आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाएंगे और फिर उनके दरमियान आप डिफरेंस मालूम करेंगे, ठीक है ना। टोटल जो जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चनर उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दे और अक्रॉस प्राइवेट और पब्लिक डिफरेंस मालूम करे, क्या पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस है जॉब सेटिस्फेक्शन में या नहीं है। तो ये रिसर्च क्वेश्चन आपको लीड करता है कि आपने कौन सा वाला टेस्ट जो है वो अप्लाई करना होगा। आपके अपने क्लास में से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो स्टडी सेटिस्फेक्शन है या लर्निंग सेटिस्फेक्शन, लर्निंग सेटिस्फेक्शन अमंग फिजियोथेरेपी स्टूडेंट ऑन फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स आप 8 semester एंड 10 semester। अब मैंने क्या लिया है, 8 semester और 10 semester मैंने लिया है। अब जब लर्निंग सेटिस्फेक्शन में मालूम करूंगा तो दोनों का मैं क्रॉस सेक्शनली जो है ना इनका डेटा लूंगा, लेकिन डिफरेंस मालूम करने के लिए कि आया 10th वाले में और 8th वाले एक दूसरे से डिफरेंस है, डिफरेंट है कि नहीं है, मतलब दोनों का या तो सेम होगा या फिर ये कि दोनों में डिफरेंस होगा। तो इसमें यहां पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में अप्लाई करूंगा, सैंपल मेरा 50 का या 70 का या 80 का है, दोनों से मैं डेटा लूंगा और इसको स्टेटस करूंगा कंटिन्यूअस वेरिएबल में कन्वर्ट करके, फिर मैं कहूंगा कि 10th और 8th सेमेस्टर के अक्रॉस आप डिफरेंस मालूम करें कि आया सेटिस्फेक्शन में डिफरेंस है लर्निंग में कि नहीं है, दोनों लर्निंग से सेटिस्फाइड है कि नहीं या टीचिंग मेथोडोलॉजी से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो इस पे फिर मैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है ना वो अप्लाई करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सर। जी सर, ये जो फिजियो स्टूडेंट का 8 और 10 सेमेस्टर का आपने बताया ना, तो इसमें भी अगर एक से 200 सैंपल लेंगे तो दूसरे से भी 200 सैंपल लेंगे? जरूरी नहीं है, ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और आप जब इसको स्ट्रेटा बनाएंगे, दो स्ट्रेटा आपके पास आ गए तो ये प्रोपोर्शन वाइज आप करेंगे कि एक की आबादी अगर ज्यादा है उससे ज्यादा लेंगे और दूसरी कम है तो उससे कम लेंगे, लेकिन फिर दोनों को अलग अलग करेंगे। जो क्वेश्चन 10th का होगा उसको 10th सेमेस्टर का नाम देंगे, जो 8th का होगा उसको 8th का नाम देंगे। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि एक जैसे हो ताकि स्ट्रेंथ अगर एक जैसे आ जाए तो रियल डिफरेंस का पता चलेगा, लेकिन अगर ना हो तो जरूरी नहीं है। कभी कभार हम कहते हैं कि मेल और फीमेल, तो फीमेल 50 आ जाते हैं और मेल जो है वो 120 आ जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर एक जैसे हो या करीब करीब हो तो उसका एक पॉजिटिव जो मैं समझता हूँ आउटकम वो होगा, तो वो रियल डिफरेंस का आपको पता चल जाएगा। फिर आ गई बात समझ में? अब ये इसका फॉर्मूला है, ये जो है इसका फॉर्मूला, आप इस पे जी टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जी टेस्ट के लिए फॉर्मूला ये होगा, आप एस और एस की जगह क्या करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जी टेस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास सैंपल साइज बड़ा है और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का मालूम है तो z इज इक्वल टू, ये दोनों याद रखें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास जो है इंडिपेंडेंट सैंपल t टेस्ट होगा, आप z टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि x बार 1 आप मीन डिफरेंस देखना चाहते हैं, x बार 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन n 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 अपॉन एन 2 और ये अंडर द रूट। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का मालूम है, लिहाजा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, बल्कि हम जी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल अब अप्लाई करेंगे, जी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स फिर हम अप्लाई करेंगे।
अच्छा जी, लेकिन अभी हम टी टेस्ट का कर रहे हैं, तो टी टेस्ट में ये है एक्स बार वन एक्स बार टू, और चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का मालूम नहीं है तो हम टी टेस्ट अप्लाई करें, तो ये एस स्क्वायर वन और एस स्क्वायर टू ये वेरियंसेज हैं, एन वन प्लस और ये एन टू, एक्स बार वन मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड एक्स बार टू मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप, दो ग्रुप्स में आपने डिवाइड किया हुआ है। सैंपल ऑफ साइज 25 वाज सिलेक्टेड फ्रॉम हेल्दी पॉपुलेशन, देयर मीन एसबीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैलकुलेटेड टू बी 125 mm ऑफ Hg विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 mm ऑफ Hg। अनदर सैंपल ऑफ साइज 17 वाज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ डायबिटिक, देयर मीन एसबीपी वाज 132 mm ऑफ Hg विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12 mm ऑफ Hg। Test whether there is significant difference in mean SBP of diabetic and healthy individual at 1% of level of significance. पहले मुझे ये बताएं कि इसमें आपको कौन-कौन से information दिए गए हैं और आप information इससे extract कर सकते हैं कि नहीं data? चले आप बता दें, मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर ले, कौन-कौन से चीजें मुझे दी गई हैं? Formula को आप देखें, आपके पास ये जो formula है ये तो खैर जी वाला है, हम टी वाला करते हैं, तो टी में आपका एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर वन ओवर एन वन प्लस एस स्क्वायर टू ओवर एन टू और ये वाला स्क्वायर रूट होगा, अंडर रूट होगा, तो इसी के लिए हमने इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। चले जी बताइए, x बार 1 कौन सा है? अ सैंपल ऑफ 25 वाज सिलेक्टेड फ्रॉम हेल्दी पॉपुलेशन। जी बताते जाएं, शाबाश मैं लिखता जाऊं, x बार 1, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो सर, 125 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर आ रही है। आ रही है। ये गुल मकई नाइमा खालिद आप मौजूद हैं? जी सर। हाँ जी, मुझे बताएं कि इसमें एक्स बार वन क्या होगा? पहला वाला सैंपल क्या बता रहा है? सैंपल ऑफ साइज 25, आपके पास एन वन जो है वो 25 लोग हैं, वाज सिलेक्टेड फ्रॉम हेल्दी पॉपुलेशन, देयर मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाज केम आउट टू बी 125 एम एम एच जी, तो मीन क्या निकला इसका? 125। हाँ 125 निकला ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला? 10। तो ये एस वन है, S1 जो है आपका 10 है। ये याद रखे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और फार्मूला में आपके पास वेरिएंस है, एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर 1 है, इसको फिर जब आप उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर लेंगे, ये खुद ब खुद वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, सिर्फ एस वन दिया हुआ है, एस स्क्वायर नहीं है। अनदर सैंपल एक्स बार टू इज इक्वल टू सैंपल ऑफ साइज ऑफ एन टू 17, x bar 2 selected from population of diet, their mean SBP was 132. हाँ जी, और with a standard deviation of 12, S2 is equal to 12 mm of Hg. चले जी इसको पुट करें formula में, क्या formula है? x bar 1 minus x bar 2 divided by S square 1 over n1 plus s square 2 over n2 under the root. So x bar 1 to 125 minus 132 divided by s1. s1 आपका 10 है, इसका square ले ले, तो ये variance में चला जाएगा। n1 कितना है? 25 है, plus s2 12 है, तो 12 का आप square ले ले, ये variance में convert हो जाएगा और ये 17 है। चले जी इसको आप कर लें, फिर मैं आपको आगे बता देता हूं कि इसका क्या होगा। ये हाँ जी, t इज इक्वल टू 125 माइनस 132 डिवाइडेड बाय s1, वो 10 है
तो इसका स्क्वायर ले ले, ये वेरिएंस में स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवर एन वन 25 प्लस एन टू स्क्वायर 2, तो ये स्क्वायर 12 है, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन टू 17, और इसको आप अंडर रूट कर ले। इसको जल्दी जल्दी आप कर ले, कैलकुलेट करके मुझे बताएं, मैं आपको समझा देता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पे। चले जी, हरी अब -7 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 25 4 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 17 is equal to 8.4 -7 divided by, हाँ जी, 4 और 8 ये 12.471 अंडर द रूट। तो ये 12.471 इसका स्क्वायर रूट ले ले तो ये 3.53 क्या बना, द वैल्यू इज 3.53। ठीक है जी, ये आपका t कैलकुलेटेड है लेकिन माइनस में, सॉरी -3.53 क्योंकि ये ऊपर वाला माइनस में, तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये t कैलकुलेटेड है। आपने इसके लिए टेबुलेटेड देखना होगा, तो टेबुलेटेड देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको चाहिए। यहां पर जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n माइनस वन नहीं है बल्कि n वन प्लस एन टू और माइनस टू, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये आप कर लें, 17 और 25 कितने हो गए, 17 प्लस 25 42 माइनस टू 40, 40 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके लिए आपने टेबुलेटेड वैल्यू मालूम करना है और फिर कैलकुलेटेड के साथ कंपेयर करना है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस में उससे कम आ रहा है, टेबुलेटेड से कम आ रहा है, तो ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कि देयर वाज अ डिफरेंस, स्टैटिस्टिकल डिफरेंस इन द मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन द डायबिटिक पेशेंट एंड द हेल्दी इंडिविजुअल। और अगर नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि दोनों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सेम है, यानी दोनों सैंपल जो है एक ही पॉपुलेशन से आए हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन से नहीं आए। इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह होती है। अब आप देखें, इसको यहां पर देख लीजिए, मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये आपका HO, आपका पहले आप नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस, मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ डायबिटिक एंड मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल आर इक्वल एंड देयर इज अ डिफरेंस, तो देयर इज दे आर नॉट इक्वल। यहां से आपको पता चल जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से कि स्टेटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन द टू, मीन लोअर और मोर की बात नहीं हुई बल्कि डिफरेंस की बात हो गई, तो इसका मतलब है कि टू टेल हाइपोथेसिस है, ये टू टेल हाइपोथेसिस है। रिजेक्शन रीजन 40, 17 प्लस 25 माइनस 2 एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल, और आपका अल्फा जो है वो 1% है। 1% का मतलब ये है कि 0.01 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक एक साइड पर आधा आधा चला जाएगा, लिहाजा इसको आप देख ले जरा। अच्छा 40 ये 40 है, लेकिन आपका जो 0. इसको आप कर लें, पहले आप डिवाइड कर लें इसको, जो 1% है, 1 डिवाइडेड बाय 100
is equal to 0.01 divided by 2 is equal to 0.005. हम देखते हैं 0.005 इसमें है कि नहीं है. यहां पर आप देख ले, यहां पर 0.01 है. ये कौन सा वाला है, 210 है, 110. अच्छा जी, अगर नहीं है तो मैं शेयर कर लेता हूं, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके सही पिक्चर आपको समझ में आ जाए. मैं शेयर करता हूं टी टेबल. आपके पास अगर टी टेबल है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं. ये Z टेबल है. ये वाला मैंने शेयर किया.